Yes, students, we will be continuing our lecture 2 with chemical equilibrium. Lecture 1 तक हमने concept of equilibrium, features of equilibrium, characteristics of equilibrium and equilibrium constant Kc through law of mass action हमने express कर लिया था, ठीक है? Kc में हम क्या करते हैं? Kc में हम expression देते हैं product raised to power of the stoichiometric ratio divided by concentration of reactants in equilibrium raised to power of its stoichiometric quotient. एक super note लगा के लिखेंगे यहाँ पर क्या कि the active mass of pure solids and liquids, the active mass of pure solids and liquids is taken to be 1. ठीक है, pure solids और liquids का active mass क्या लिया जाता है? 1 लिया जाता है. ठीक है, reason pure solids और liquids का mass per unit volume बड़ी तेजी से change नहीं होता. तो इसका मतलब suppose आपको expression देना है कि आपके पास एक reaction है CaCO3 solid forming CaO solid plus CO2 gaseous. तो आप इस रिएक्शन में Kc का एक्सप्रेशन क्या बनाएंगे? सिर्फ CO2 का कंसंट्रेशन. Why? ये क्या है? प्योर सॉलिड. ये भी क्या है? प्योर सॉलिड. दोनों का एक्टिव मास क्या? 1. तो मल्टीप्लाई का 1 डिवाइड बाय 1. एक्सप्रेशन में लेने की कोई जरूरत नहीं है. तो जब भी कोई प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड किसी रिएक्शन में आ जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस करते हैं, हम उसको डील नहीं करते. सपोज मेरे पास दूसरी एक रिएक्शन है, एग्जांपल नंबर 2, सपोज मेरे पास NH4HS सॉलिड है और ये कुछ इस तरह से डीकंपोज हो रहा है इनटू अमोनिया गैसियस प्लस H2S गैसियस. तो आप इस रिएक्शन का Kc कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये तो क्या है? सॉलिड और ये क्या है? गैसेस. तो आप एक्सप्रेस करोगे अमोनिया की कंसंट्रेशन इनटू H2S की कंसंट्रेशन. इज इट क्लियर? तो एक सुपर नोट कि जब भी प्योर लिक्विड्स और प्योर सॉलिड इन्वॉल्व होंगे रिएक्शंस में तो उनका एक्टिव मास क्या ले लिया जाता है? 1 ले लिया जाता है. इस वजह से उन्हें केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में जगह नहीं मिलेगी. सिमिलरली हमने पढ़ा था कि फॉर गैसेस active mass is expressed in terms of pressure. तो suppose मेरे पास कोई gaseous reaction है, A gaseous plus B gaseous forming C gaseous plus D gaseous. Suppose मेरे पास कुछ इस तरह की unit है, कुछ इस तरह की reaction है, तो मैं यहाँ पे equilibrium pressure express करूँगी. तो इक्विलिब्रियम प्रेशर जब एक्सप्रेस करूंगी तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ P रेज टू द पावर C, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर D डिवाइड बाय इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर A, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर B. ये रेशियो भी एक कांस्टेंट आएगा और इसे भी हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. लेकिन इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम एक्टिव मास को प्रेशर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या कह देंगे? केपी. जब हम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस की टर्म्स में, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस की टर्म्स में कांस्टेंट को एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है? केसी. और अब जब प्रेशर की टर्म्स में कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? केपी. कई बार मोल फ्रैक्शंस की टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जाता है, उसको कहते हैं kx, x is for मोल फ्रैक्शन, but that is not popularly used. तो इसलिए दो ही तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की हम बात करते हैं. कौन-कौन से? kc एंड kp. जब आप आयंस की कंसंट्रेशंस की फॉर्म में आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करते हो इट बिकम्स kc, और जब आप प्रेशर्स की टर्म्स में फ्रेम करते हो इट बिकम्स kp. बट डेफिनेटली there is some relation between K
सेम रिएक्शन कि एक ही रिएक्शन के लिए केपी और केसी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलेशन होता है. वो रिलेशन क्या होता है हम समझते हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम लगाएंगे दैट वुड बी रिलेशन बिटवीन केपी एंड रिलेशन बिटवीन केपी एंड राइट व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी. ठीक है, तो फिर से मैं एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ए ए गैसेस प्लस बी बी गैसेस इज प्रोड्यूसिंग सी सी गैसेस प्लस डी डी गैसेस. ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है ए ए गैसेस प्लस बी बी गैसेस इज गिविंग सी सी गैसेस प्लस डी डी गैसेस. सपोज एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ए इज पी ए, प्रेशर ऑफ बी इज पी बी, प्रेशर ऑफ सी पी सी, प्रेशर ऑफ डी टी सी. ठीक है, एज पर द इक्विलिब्रियम प्रेशर व्हाट इज के पी, के पी वुड बी प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर सी, प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर डी by pressure of A raised to power A and pressure of B raised to power B, right? So KP is equal to pressure of C raised to power C, pressure of D raised to power D, pressure of A raised to power A, pressure of B raised to power B. Here A, B, C, D are stoichiometric coefficients. A, B, C, D can stoichiometric coefficients. Now, from ideal gas equation, हमने क्या पढ़ा हुआ बेटे, पीवी इज इक्वल टू एनआरडी. गैस इक्वेशन से हमने क्या पढ़ा हुआ है, पीवी इज इक्वल टू एनआरडी. रीअरेंज करते हैं, पी इज इक्वल टू एन बाय वी आरटी. मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन. व्हाट इज मोल्स बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन. तो पी किसके बराबर हो गया, सी आर. ठीक है, अगर ये प्रेशर ऑफ ए होगा तो ये किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी. और अगर ये प्रेशर ऑफ बी होगा तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी. कंसंट्रेशन को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो मैं वैल्यू रखती हूँ यहाँ पे, के पी इज इक्वल टू व्हाट इज के पी, पी सी रेज टू पावर सी. तो पी सी रेज टू पावर सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर आर टी रेज टू पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी रेज टू पावर डी, concentration of A RT raised to power A, concentration of B RT raised to power B. लिख सकते हैं, RT को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया C raised to power C, D raised to power D. बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पार ऐड हो जाएगी RT की पार C plus D. डिवाइड बाय इधर से ए रेज टू पावर ए बाहर आ गया, उधर से बी रेज टू पावर बी बाहर आ गया, और यहाँ क्या बच गया, आर टी की पावर ए प्लस बी. राइट, इतनी चीज को हमने क्या कहा था, इतनी चीज को कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स के सी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, के सी लिख सकते हैं. तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, अभी तक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया KP is equal to KC. अब फिर से बेस सेम है लेकिन डिवाइड में, तो पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो KC RT C plus D minus A plus D. है ना, इस C plus D minus A plus D को क्या कह देते हैं, डेल्टा NG. What is डेल्टा NG? डेल्टा NG summation of टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, डेल्टा एन. तो हम क्या कह सकते हैं, KP is equal to KC RT delta NG. Right? Very very important and elementary relation between KP and KC. आप जानते हैं KP क्या है? What is KP? Equilibrium constant expressed in terms of pressure of reactant and products. What is KC? Equilibrium
concentration of products and reactants each raised to the power of their stoichiometric coefficients. So very very important that Kp is equal to Kc RT delta Ng. ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आपने मुझे बताना है इनके Kp और Kc में क्या रिलेशन है. एग्जांपल नंबर वन, यस बिल्कुल मैं बोर, मेरे पास एक रिएक्शन है H2 gaseous plus I2 gaseous is forming 2HIX. I have this reaction H2 gaseous plus I2 gaseous is forming 2HI gaseous. I have to let Kp and Kc for the same reaction. तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? Delta Ng. Delta Ng क्या है? Summation of number of moles of gaseous products minus summation of number of moles of gaseous reactants. ठीक है, तो यहाँ देखो प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स हैं, गैसेस प्रोडक्ट्स के 2 माइनस समेशन 1 plus 1 2 2 minus 2, डेल्टा एन जी इज 0. सो केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1. तो फोर सच रिएक्शंस केपी इज इक्वल टू के सी, इसका मतलब फोर रिएक्शंस हैविंग डेल्टा एन जी equal to 0, for such reactions Kp and Kc are equal. Is it clear? Case second, where delta Ng is greater than 0 or positive. ठीक है, वहां क्या होगा? Suppose मेरे पास एक reaction है PCl5 gaseous is decomposing to give PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous. PCl5 gaseous is decomposing to give PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous. Tell me delta Ng. 1 plus 1, 2 minus 1, 2 minus 1, 1 greater than 0, positive value. Kp is equal to Kc RT की power 1. Definitely Kp is greater than Kc. For such reactions, Kp will be greater than Kc. Case third. For reaction that is delta Ng less than 0 or negative. Anna? For example, SO2 gases plus half O2 gases is forming SO3 gases. Tell me delta Ng. 1 minus 1 plus 1 by 2. 3 by 2 minus 1 by 2. पावर क्या आ गई? माइनस वन. तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर माइनस वन, तो Kp वुड बी लेस देन Kc. माइनस वन बाय Kp वुड बी लेस देन Kc. इज इट क्लियर? तो ऐसी रिएक्शन जिनमें डेल्टा Ng जीरो होता है, नेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स फॉर्म एंड गैसेस रिएक्टिंग कंज्यूम अगर सेम होगा, डेल्टा एनजी 0, ऐसी रिएक्शंस के लिए केपी केसी के बराबर होगा, और जिन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 होगा उन रिएक्शंस के लिए पॉजिटिव होगा, जिन रिएक्शंस के लिए लेस देन 0 होगा उनके लिए बच्चे नेगेटिव. राइट, अब ये तो बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग ली है इसकी. न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना ये देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी. राइट, प्लेस करते हैं
क्या डायमेंशन होती है, मोल पर लीटर, है ना। प्रेशर की बहुत सारी हो सकती है, सबसे कॉमन क्या है, एटीएम, राइट। इसका मतलब जब आप एक्टिव मास के सेंस में बात करते हो तो केपी केसी डायमेंशन लेस होते हैं, लेकिन जब हम उनको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, डायमेंशन इन्वॉल्व करना जरूरी हो जाता है। कैसे जरूरी होता है, सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, उसके लिए केसी है, प्रोडक्ट्स आपको पता है, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स के गैसेस मोल सपोज ए है, रिएक्टेंट्स के बी है, तो आपको पता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स, सपोज द स्टोइकोमेट्रिक रेशियो वाज ए, है ना। और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को भी कैसे एक्सप्रेस करोगे, मोल लीटर इनवर्स में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, बी। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स ए माइनस बी। ए माइनस बी को मैं फिर से क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा एम जी। व्हाट वाज डेल्टा एम जी, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स। तो जब भी आपको केसी की डायमेंशन देनी हो, आप कंसंट्रेशन टर्म लगा के उसकी पावर किससे रेस कर दो, डेल्टा एम जी से रेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यही रिएक्शन है, PCl5 gaseous is forming PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous. इसका केसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 into Cl2 by PCl5. सबकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की डायमेंशंस क्या होंगी, मोल लीटर इनवर्स बाय मोल लीटर इनवर्स। अब एक मोल लीटर इनवर्स है, एक मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर केसी की डायमेंशन क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स। आने की मोल लीटर इनवर्स थी, क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी बताओ क्या है, 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर 1, तो यूनिट क्या आ रही थी, मोल लीटर इनवर्स। प्रूव कर रहे हैं कि डायमेंशन क्या आ रही है, मोल लीटर इनवर्स। सिमिलरली केपी की भी डायमेंशन क्या आ सकती है, ATM raised to power delta mg, है ना। What is delta mg? Summation of number of moles of gases products minus number of moles of gases reactants. So similarly for KP dimensions are ATM raised to power delta mg, right? So similarly for KP it is equal to ATM raised to power delta mg. So this was the introduction about KC and KP. Ab is chapter ki sole hum discuss karne wale hain, that is degree of dissociation and extent of dissociation. Very very important topic. Ye aap note kar liye acche se. Fir hum discuss karenge degree of dissociation or extent of dissociation. Yes. Next we are discussing the concept of degree of dissociation on it is generally represented as L. It would be different from extent of dissociation. What is extent of dissociation, later on we will get to know, but formally we are discussing degree of dissociation L. What is degree of dissociation? ठीक है, जैसे जैसे लिखवाती हूँ वैसे वैसे लिखना, वैसे वैसे ही समझ रहे हैं. Degree of dissociation alpha defined always for one mole of substance. ठीक है, always defined for one mole of substance. Alpha हमेशा किसके लिए define किया जाएगा, one mole of substance के लिए. Two mole of substance के लिए alpha का कोई मतलब नहीं है, two alpha का मतलब है. Two alpha का क्या मतलब है, सब समझें. अभी के लिए आपको clear होना चाहिए, alpha सिर्फ किसके लिए define होता है, one mole of substance. दूसरी बात कि परसेंटेज अल्फा इज डिफाइंड फॉर 100 मोल्स ऑफ सब्सटेंस, परसेंटेज हमेशा 100 में से होती है. अगर अल्फा दिया हुआ है तो वो किसके लिए डिफाइंड है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए. अगर परसेंटेज अल्फा दी हुई है तो वो किसके लिए डिफाइंड है, 100 मोल.
2.5, इसका मतलब ए भी डिसोशिएट हो रहा है किसमें, ए प्लस बी में, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 है, इसका मतलब 1 मोल में से कितना जा रहा है 0.5, why 1 मोल, because अल्फा इज बाय डिफॉल्ट डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्यूशंस, बात समझ में आ गई, तो मैं कहूंगी कि 1 मोल में से अल्फा जा रहा है, तो ये कितना बनेंगे अल्फा, ये भी इतना है अल्फा क्योंकि 1 मोल ऑफ सॉल्यूशंस है, 1 मोल ए और 1 मोल बी बन रहा है, ये अल्फा मोल्स टूट रहा है, तो ए भी कितना बनेगा अल्फा और बी भी कितना बनेगा अल्फा, यहां मैंने बता दिया कि इसके लिए अल्फा कितना है 0.5, तो इसका मतलब 1 में से कितना जाएगा 0.5 और ये कितना बनेंगे 0.5 एंड 0.5। अब सपोज ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, इसकी कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, तो यहां पर केसी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपको क्या रखना है कंसंट्रेशन रखना है ना, ये आपने क्या रखे हैं मोल्स रखे हैं, क्या रखे हैं मोल्स, मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे क्या बन जाएगा कंसंट्रेशन, इस रिएक्शन के लिए केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए इंटू बी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए बी की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.5 बाय बी मल्टीप्लाइड बाय बी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 0.5 by 1 minus 0.5 by 3, तो इस रिएक्शन के लिए आपके पास केसी का एक्सप्रेशन क्या आ गया 0.5 by 3, बात समझ में आई, अगर यही परसेंटेज ने मुझे दिया होता 50%, तो उसका मतलब 100 में से कितना जा रहा है 50, जा तो सेम ही रहा है ठीक है, पर अगर मुझे दिया होता 4 2 moles of AB, अगर मुझे 2 मोल्स ऑफ AB के लिए ये बात करनी पड़ती विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू 0.5 अगेन ठीक है, तो उसका मतलब सबसे पहले मैं रिएक्शन बनाऊंगी AB इज फॉर्मिंग A प्लस B और टाइम t इज इक्वल टू 0 पर आपने उसने आपको मोल्स बता दिए, AB के मोल्स कितने 2, यू आर स्टार्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ AB, A और B तो है ही नहीं ठीक है, जब तक आप इक्विलिब्रियम पर पहुंचे मोल्स का क्या सीन है बताओ, अगर AB की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 है तो AB के 2 मोल्स में से कितने मोल्स चले गए होंगे, 0.5 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है 1 मोल में से कितना गया होगा 0.5, 2 मोल में से 1, तो इसका मतलब यहां मुझे क्या करना पड़ेगा 2 माइनस 2 टाइम्स अल्फा, because alpha is defined for 1 mole of substance, if you are moving with 2 moles of substance you need to multiply alpha by 2 to get amount of substance dissociated right, 2 minus 2 alpha, ab jitna ye toot raha hai utna hi ye banenge hai na, 1 1 1 stoichiometry same hai, to agar ye 2 alpha moles break kar rahe hain to a kitne moles banenge 2 alpha, B कितने मोल्स बनेंगे 2 अल्फा राइट, एनी डाउट 3 माइनस 3 अल्फा जो मैं अल्फा के उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो भी यस व्हाई बिकॉज अल्फा इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, अल्फा इज गिविंग यू द मीनिंग कि अगर आप 1 मोल लेके चल रहे हो तो इतना टूट रहा है, आप जितने ज्यादा मोल्स लेके चलोगे उतने टाइम्स वो ज्यादा ब्रेक करेगा ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा KC का वॉल्यूम से अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 2 अल्फा बाय बी इनटू 2 अल्फा बाय बी बाय 2 1 माइनस अल्फा बाय बी, ए बी से बी कैंसिल ठीक है, 2 मैंने कॉमन ले रखा था ये कैंसिल, तो ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर बाय बी इनटू 1 माइनस इज इट क्लियर ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, आपको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ जनरलाइजेशन में कि अगर इनिशियली ए के मोल जीरो थे, ए थे, ए और बी जीरो था, तो इक्विलिब्रियम तक आते आते ये ए में से ए अल्फा टूट गया सही है, व्हाट इज ए नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स और ये ए अल्फा बन जाएगा ठीक है, हियर A alpha is sometimes written to be x.
is x? X is extent of dissociation. मतलब क्या हुआ? समझो. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 रहेगी चाहे आप 10 मोल लो चाहे 10,000 मोल लो, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो डिफाइंड ही किसके लिए है, एक मोल के लिए. लेकिन अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 है तो एक मोल में से कितनी अमाउंट टूट रही है? 0.4. लेकिन दो मोल में से कितनी अमाउंट टूटेगी? 1. 4 मोल्स में से कितनी टूटेगी? 2. 8 मोल्स में से कितनी टूटेगी? 4. तो जो अमाउंट टूट रही है that is called extent of dissociation. That depends on degree of dissociation as well as number of initial moles taken. बात समझ में आई? Before minus 4 alpha. This 4 alpha is x, which is equal to a alpha. बात समझ में आ गई सारे? भाई degree of dissociation को फर्क नहीं पड़ता आपने कितने moles लिए हैं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो सिंपली आपको बता रही है कि एक मोल में से कितना जा रहा है. आप जितने इनिशियल मोल्स के लिए काम कर रहे हो आप उतने मोल्स में से उस चीज को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे. एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली गिव्स यू एन इंडिकेशन कि कितना रिएक्टेंट टूट रहा है. बात समझ में आई? तो अगर आप इनिशियल मोल्स चेंज करोगे तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन भी चेंज होता जाएगा, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम रहेगा. Is it clear? This is the difference between extent of dissociation and degree of dissociation. बच्चों को doubt आता है कि मैम कई बार तो a alpha नहीं लिखते, कई बार तो सीधा ही a minus x x x लिख देते हैं. बच्चे x को ही क्या मान लेते हैं alpha. वो तब सही है जब a क्या हो? 1. लेकिन हर बार a 1 नहीं होता. तो most of the time students को ये confusion होता है कि मैम कभी तो c माइनस सी अल्फा करते हैं कभी c माइनस अल्फा ही करते हैं. एक्चुअली वो c माइनस सी अल्फा ही होना चाहिए या a माइनस a अल्फा ही होना चाहिए. इन केस योर a इज 1 ऑन दैट प्लेसेस वी कुड राइट इट एज 1 माइनस अल्फा और a माइनस अल्फा इफ a इज 1. इज इट क्लियर? सो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोथ द टू टर्म्स आर वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम each other. Note it down.